प्यार और सेक्स से जुड़े साइकोलॉजी फैक्ट। पुरुष को संभोग करने के लिए महिला की अनुमति चाहिए होती है, परंतु महिला का केवल किसी पुरुष के प्रति ऐसा सोचना ही काफी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब दो शरीर के बीच में संभोग हो तो उसे कामवासना कहते हैं, और जब दो मन के बीच में संभोग हो तो उसे प्रेम कहते हैं। यदि कोई औरत संभोग करते समय होठों पर किस ना करने दे तो समझ जाना कि वह प्यार नहीं सिर्फ हवस की भूखी है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे दोस्त को कभी भी अपने घर पर न लाए जिसकी तरफ आपकी पत्नी का थोड़ा सा भी आकर्षण हो। साइकोलॉजी के अनुसार एक महिला खड़े होकर संभोग करने के बजाय लिंग को नीचे करके संभोग करना बेहद पसंद करती है। गैर मर्द से संबंध बनाने में वह औरत ज्यादा दिलचस्पी लेती है, जिनको अपने पति से वह सब नहीं मिलता जो कुछ भी वो चाहती है। पुरुषों के ऊपर बैठकर अंदर लिंग डलवाना स्त्री के लिए सबसे ज्यादा आनंदमय होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी किसी औरत को संबंध बनाने की इच्छा होती है तो वह हंसी मजाक और गलत इशारा जरूर करती है। ऐसी औरत पर कभी शक नहीं करना चाहिए जो संभोग करते समय आपके लिंग को अंदर लेने से ना रोके। पुरुषों द्वारा अलग अंदाज में संभोग करना स्त्रियों को खूब आनंद देता है और वे इसे बहुत पसंद करती है। जो व्यक्ति किसी का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाता है वह अक्सर धोखा ही खाता है। संभोग करते समय औरत अगर यह दो हरकतें करे तो समझ लेना उसका संबंध किसी गैर मर्द से है। पहला अचानक संभोग करने से मना कर दे, दूसरा वह कहे कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एक औरत ऐसे मर्द के साथ हमेशा संभोग करेगी जो उसकी योनि की गर्मी को जल्दी शांत कर देता हो। साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग की क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संभोग की ज्वाला से कोई नहीं बच सकता है। अगर किसी पवित्र औरत का पति भी ये ज्वाला बुझा न पाया तो वह औरत विकल्प ढूंढने लगती है, और यह विकल्प एक गैर मर्द भी हो सकता है।